હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આઈ એમ તનુ એન્ડ વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજ કે વિડિયો મેં આપકે સાથ શેર કરને વાલી હું મેરા હાઉસ ક્લીનિંગ શેડ્યુલ લિસ્ટ. મેં ઉસ લિસ્ટ કો કેસે ફોલો કરતી હું ઓર મેને ઉસે કેસે બનાયા હૈ વો મેં આજ આપકે સાથ શેર કરૂંગી. અગર આપ મેરે ઇસ વિડિયો કો પહેલી બાર દેખ રહે હૈં તો મેરે ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કીજિયેગા और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग शेड्यूल लिस्ट. फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस कॉस्ट्यूम. बहुत ठंड है यहाँ, तो मैंने ये स्वेटर और ये कैप पहनी हुई है, तो प्लीज़ इग्नोर इट. इस वीडियो को टू पार्ट में बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू. फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इस तरह से दो तरीके का क्लीनिंग शेड्यूल लिस्ट बनाया है. ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना है, आप लोगों को समझाने के लिए. और ये है वो मेरा लिस्ट है जो मैं फॉलो करती हूँ और यही मैं अपडेट भी करती हूँ. तो पार्ट वन में मैं इस लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे ये बनाना है और इसमें क्या क्या आपको लिखना है और कैसे इसे अपडेट भी करना है, वो मैं आपको पार्ट वन में बताऊंगी. और पार्ट टू में मैं अपने इस लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगी. ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पेपर पर ये लिस्ट बनाया, तो आप इस तरह मैन्युअली बनाएं. प्ले स्टोर पर क्लीनिंग ऐप करके आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे ऐप आपको मिल जाएंगे. अगर आप बिगनर्स हैं तो आप वही ऐप को फॉलो करें तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा. मैं काफ़ी टाइम से इस तरह से लिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे मैन्युअली ही मुझे कम्फर्ट होता है. तो अगर आप प्ले स्टोर से जाके भी डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ भी आपको इसकी ऐप्स मिल जाएंगी. मैं अपने क्लीनिंग शेड्यूल को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, डेली, वीकली एंड मंथली. डेली में भी अगर आप चाहें तो ट्वाइस इन अ वीक बना सकते हैं, मंथली में भी आप ट्वाइस इन अ मंथ, वो आप ऑप्शन रख सकते हैं. तो यहाँ मैंने उसको कैसे बनाया है ये हम देखते हैं. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आप इस लिस्ट को देख सकते हैं. ये लिस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ही बनाया है. आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डेली, वीकली एंड मंथली इस तरह से तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है. और यहाँ नीचे मैंने हमारे घर का जो भी एरिया है, जो भी रूम है, उसे मैंने रूम वाइज अलग अलग यहाँ लिखा है, जैसे कि किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, लॉन्ड्री, क्लोसेट. और अगर आपके यहाँ गार्डन है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, गराज है तो वो भी, इसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं. और यहाँ मैंने मिसेलेनियस के लिए ये जगह रखी हुई है. अब देखते हैं कि किचन और डेली ये हम कैसे उसमें क्लीनिंग शेड्यूल मैनेज करते हैं. डेली में किचन में क्या होता है, तो यहाँ मैंने लिखा है डस्टिंग, मॉपिंग, हमारे काउंटर टॉप को जो वाइप करना होता है वो, कैबिनेट को वाइप करना होता है, डाइनिंग टेबल को क्लीन करना होता है, किचन सिंक को क्लीन करना होता है. ये हमारा किचन का डेली शेड्यूल है. इसे आप इसमें अगर और कुछ भी अगर रह गया हो तो आप इसे मैनेज कर ले, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. मतलब किचन में तो हमारा इतना ही होता है, खाना पकाने के बाद और पहले का इतना शेड्यूल होता है. अब वीकली किचन में हमें क्या करना होता है, तो हमें फ्रिज का आउटर एरिया क्लीन करना होता है, माइक्रोवेव क्लीन करना होता है. अगर आप माइक्रोवेव डेली यूज़ करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीकली उसे क्लीन करें. फिर हमारी पेंट्री को अरेंज करना होता है, सिंक की पाइप होती है वो अरेंज करना होता है. फिर यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पेंट्री में, फ्रिज में भी हमें कभी कभी उसको अरेंज करना होता है, क्योंकि जो मंथली हम फ्रिज को क्लीन करके जो अरेंज करते हैं तो वो 15 दिन में ही काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. तो क्लीन फ्रिज क्लीनिंग के साथ फ्रिज को अंदर की उसकी चीज़ें अरेंज भी हमें करनी होती है, तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हैं. अब मंथली किचन में क्या काम होता है, तो मंथली होता है उसकी डीप क्लीनिंग पूरी तरह से. आपके जो किचन में ऊपर टाइल लगी हुई है,
कैबिनेट्स हैं अंदर से उसका कैबिनेट्स हैं, पेंट्री है, फ्रीज है, वो सब हमें डीप क्लीन करना होता है, तो मंथली मैंने यहाँ वो मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक किचन की तो सारी बातें समझ में आ गई होगी, मंथली, वीकली एंड डेली। अब लिविंग रूम, लिविंग रूम में हमें डेली डस्टिंग और मॉपिंग करनी होती है, और फिर अगर सोफ़ा है तो उसे भी हम सोफ़ा पे भी हम डस्टिंग कर लेते हैं, उस पर कुशन उसके ठीक तरह से रख लेते हैं, वो सब लिविंग रूम में डेली काम होता है। वीकली क्या होता है, डस्टिंग मोपिंग वो तो होती है, फिर कर्टेन चेंज करने होते हैं, सोफ़ा कवर एंड पिलोज भी चेंज करना होता है, तो वो हमारा वीकली में आ जाता है। मंथली हमें क्या करना होता है, डस्टिंग मॉपिंग तो हमारा रेगुलरी है ही, लेकिन अगर कारपेट है तो उसे आपको क्लीन करना होता है, कर्टेन को वॉश करना होता है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, वो मैं लॉन्ड्री के काम में मैंने उसे मेंशन किया हुआ है, तो वो यहाँ आ सकता है कि आपको कर्टेन वॉश करने हैं, आपके सोफ़ा कवर या पिलोज़ हैं उसे भी आपको वॉश करने होते हैं, तो वो सब यहाँ मंथली में वो सारा टास्क यहाँ आ जाएगा। अब बारी आती है बेडरूम की, बेडरूम में भी डस्टिंग मॉपिंग होता है, फिर जो अगर आपका ड्रेसिंग टेबल हो तो उसका मिरर आपको क्लीन करना होता है, फिर आपको अपना बेड की बेडशीट आपको ठीक करनी होती है, विंडोज़ और डोर्स को वाइप करना होता है, वो सब हमारा डेली में आता है। मतलब उस बेडरूम में और इन सारे जितने भी आपके घर में रूम है उसमें ऊपर ऊपर से डस्टिंग मॉपिंग और सफाई डेली का काम होता है। बेडरूम में मंथली क्या होता है, तो आपको बेडशीट चेंज करनी होती है, पिलो कवर्स चेंज करने होते हैं, और डीप डस्टिंग और क्लीनिंग आपके बेडरूम में करनी होती है। मतलब डेली कभी कभी बेडरूम में कोई कोना छूट जाता है या रह जाता है, तो हम वो टास्क वीकली में लिखकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मंथली में क्या आता है, तो मंथली में बेडरूम का पूरा डीप क्लीनिंग आता है। ठीक है, इसे यहाँ आप अपने हिसाब से टास्क लिख सकते हैं। अब बारी आती है बाथरूम एंड लॉन्ड्री सेक्शन की, तो बाथरूम में हमारा डेली तो यही होता है कि बाथरूम और टॉयलेट को वॉश करना होता है, बेसिन को वॉश करना होता है, वो हमारा डेली मंथली सेम होता है। और लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में तो डेली क्या होता है कि हमारे जो डेली वेयर्स होते हैं वो हम वॉश करते हैं। ओके, फिर वीकली में क्या होता है, वीकली में हम अपने टॉवल्स हैं, जो बेडशीट्स हैं, कुशन कवर्स हैं, पीलो कवर्स हैं, वो सब हम वॉश करते हैं। मंथली में क्या होता है कि मंथली में हम वॉशिंग मशीन को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है, तो यहाँ मैंने वो नहीं लिखा है, लेकिन टब क्लीन भी हमें वॉशिंग मशीन को भी टब क्लीन करना होता है, तो वो आप यहाँ मंथली वो टास्क यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर वार्डरोब और क्लोसेट की बारी आती है, तो वो तो मंथली ही आएगा, तो जो आप यहाँ मैंने आगे बताया कि मंथली में भी आप ट्वाइस इन अ मंथ लिख सकते हैं, तो आप वो वार्ड्रोब ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हैं, डिक्लटर योर क्लोथ्स, वो भी आप कर सकते हैं। खास कर आई होप आपको इस लिस्ट में मैंने जो समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये पार्ट वन है, और पार्ट टू में इसके बाद मेरा जो क्लीनिंग शेड्यूल लिस्ट है वो आप पार्ट टू में देख पाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों पार्ट में एक ही दिन पे अपलोड कर पाऊँ, ताकि आप लोग उसे कंटिन्यूअसली देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये पार्ट वन क्लीनिंग शेड्यूल लिस्ट? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।